नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अष्टावकार अभ्यास कितने सिद्ध की। अभ्यास से क्या क्या सिद्ध नहीं होता, तो देखिए अभ्यास से क्या क्या सिद्ध नहीं होता, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं पार्ट वन के, इसके शब्दार्थ भी डिस्कस किए थे। अब बारी आती है इसके व्याकरण बोध के कुछ क्वेश्चन करने की। तो देखिए व्याकरण बोध का जो क्वेश्चन नंबर वन है वो देखते हैं। उदाहरण अनुसार लेखन, उदाहरण अनुसार लेखन का अर्थ ये है कि जो आपका अभ्यास है चैप्टर है इसमें स्मॉ का प्रयोग हुआ है, स्मॉ शब्द का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं स्मॉ शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या होता है। देखिए हमारे पांच प्रकार के लकार होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी से इंट्रक्शन करते हैं, किसी से बातें करते हैं तो पांच तरीके से करते हैं। लट लकार में, लल लकार में, लोट लकार में, विट लकार में और विधि लिंग लकार में। तो इसमें से जो ऊपर के दो लकार थे लट और लल, आज हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों लकार लट और लल लकार, ये दोनों लकार हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। इसमें लट लकार का अर्थ होता है बच्चों वर्तमान का, और लल लकार का अर्थ होता है बच्चों भूत का। वर्तमान काल लटकार का होता है, भूतकाल लटकार का होता है। आगे स्मार शब्द का मतलब क्या है इस चैप्टर में देखिए। कई बार क्या होता है कि हमें बताया था मैंने आपको कि क्रिया से पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस लकार का है, यानी किस टाइम का है, वो वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, ये हमें पता चलता है हमारी क्रिया के माध्यम से। और क्रिया किसकी होती है, लकार की अर्थात धातु रूपों से। तो धातु रूपों में क्या होता है बच्चों कि कई बार हमने कोई सेंटेंस बनाया जाता है या बनवाया जाता है कि आपको लल लकार में कोई सेंटेंस बनाना है। अब लल लकार में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको लल लकार के प्रत्यय पता होने चाहिए, प्रत्यय पता होंगे तभी उसके धातु रूप पता होने चाहिए, तभी तो आप उसके लकार के प्रयोग कर पाओगे। यदि धातु रूप पता होगा तभी तो आप उसके क्रिया बना पाओगे भूतकाल की। तो कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं लल लकार के धातु रूप, भूल जाते हैं। तो तब क्या करते हैं बच्चों, तब लट लकार के जो धातु रूप होते हैं उनको लेकर हम स्मा लगा देते हैं। और लट लकार के धातु रूपों में स्मा लगाने का अर्थ क्या होता है, वो किसके बदल गया है लल लकार के, अर्थात वर्तमान काल की जो धातु होती है उन धातुओं के बाद यदि हम स्मा शब्द लगा दे तो वो धातु जो है हमारी किसके बदल जाएगी लल लकार। समझ में आ रही है हमारी बात। आप देखिए हमें इनको जो हमारे स्मॉल लगा रखे हैं इससे आपको पता चल गया होगा कि ये सब लट लकार की धातु है। धातु में किसकी है, लट लकार की। और लट लकार की धातुओं को हमें लल लकार में परिवर्तित करना है। देखिए लल लकार में ऑलरेडी परिवर्तित है लेकिन हमें अपनी पार्टी को स्मैक को हटाना है, जितने भी स्मॉल लग रहे हैं सबको हटा के एक्चुअल में लल लकार में क्या रूप होता है उसका वो बनाना है। देखिए हस्ति गच्छति कूर्यति और धावति, ये सारे जो क्या है एकवचन, और ये हसन्ति गच्छन्ति धावन्ति और कूर्यन्ति ये सारे क्या है बच्चों बहुवचन, और ये दोनों ही एकवचन और बहुवचन किसके हैं बच्चों प्रथम पुरुष के, किसके हैं प्रथम पुरुष के। आपको पता है प्रथम पुरुष कौन होता है, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष कौन होता है, थर्ड पर्सन, अर्थात ही शी की जो रेडी है, क्लियर ना। तो ये जो चार है वो एक वचन है और ये जो चार है वो बहुवचन है। अब आप लल लकार में किसी के भी एक के रूप बनाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको, हम बनाते हैं किसके पद धातु के, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बड़ा रूप बना देती हूँ, इस बॉक्स से बना के देती हूँ लल लकार के पद धातु के लिए, ताकि जब हम यहाँ पर उसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास स्पेस रहे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्रथम पुरुष, यहाँ पर मध्यम पुरुष, क्योंकि आपको बनाया है, मैंने बताया था ग्रामेटिकल पोर्शन रटंत विद्या का काम नहीं करेगा, रटंत विद्या में वो चलेगा भी नहीं, आपको चीजें सीखनी होगी तो सीख के करेंगे। देखिए और ये होता है हमारा उत्पन्न,
कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखते जाइए आप, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हस्ती इस्मा, एक वचन है वहां का लिखा हुआ है ए पटर, तो इसके साथ क्या आएगा ए हस्ती। क्लियर? गच्छत इसमें आ गच्छत, से भरना है। कैसे भरना है ये देखिए,
यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो सभी आप देख लीजिए एक बार, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही टॉपिक आ रहा है। सभी क्या है? आकारा, स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग हमारे प्रीवियस सिलेबस में था तो हमें अच्छे से पता है, पीटी वन में भी था और हाफ टाइम में भी था। अब हमने आकारांत स्त्रीलिंग के रूप दिख रहे हैं आपको रमा, माला, महिला, कन्या और लता। अब इनको आपको इनकी विभक्ति जो दे रखी है आपको, यानी सामने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लिखना है। अब देखिए रमा की तृतीया विभक्ति, रमा की तृतीया विभक्ति लिखनी है आपको, तो रमा की तृतीया विभक्ति होती है रम्या। द्विवचन में लिखेंगे तो रमाम्या, और बहुवचन में लिखेंगे तो लिखेंगे रमा भी। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए माला की लिखनी है चतुर्थी विभक्ति, माला, लता, महिला, कन्या से एक ही बात है, सभी क्या है? अपना नाम स्त्रीलिंग। तो जो लता में चतुर्थी रूप बनता है लता एक, तो माला में क्या बनेगा? देखो लता देवी बनता है तो माला देवी। चतुर्थी का द्विवचन बनाएंगे तो माला भ्याम, और चतुर्थी का बहुवचन बनाएंगे तो माला भ्य, क्योंकि रमा भ्य होता है, रमा के रूप आपने किए हैं। क्लियर? अब देखिए महिला का षष्ठी विभक्ति लिखना है तो महिला का षष्ठी विभक्ति होगा महिलाया, साथ में भी सब षष्ठी विभक्ति द्विवचन में होगा महिलयो, और बहुवचन में होगा महिला नाम। क्लियर? अब आता है कन्या का पंचमी, तो कन्या का पंचमी कन्याया, पंचमी लिखनी है, पंचमी का द्विवचन कन्याभ्याम, और बहुवचन कन्या भय। द्रमा कितना बनेगी सारी? लता का द्वितीय विभक्ति एक वचन, लता का द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है लता, लते, लता, लता, लते, और ये लता। तो अब हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? अपरांत स्त्रीलिंग के जो विभक्तियों के अकॉर्डिंग, और विभक्तियां दी गई थी उनके अकॉर्डिंग होंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जो टेबल मैंने बनाई है क्या होती है, जो आपकी बुक है उसमें सॉल्व कर लेंगे। उस बुक के माध्यम से आप क्या करेंगे बच्चों? बुक से जब आप बुक में करेंगे तो आपको पता होगा कि किसका रूप कैसे बनता है। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि आप एक अकारांत स्त्रीलिंग याद कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया कि अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों याद करने हैं, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों याद करने हैं, मैंने आपको कराए हैं, और उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी याद करने हैं, अधिकारांत भी। तो जो हमारा सिलेबस हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम का, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम अकारांत कर रहे हैं वो हमारा प्रीवियस सिलेबस का पार्ट है। उसमें आपको ये सभी बता दिया है कि किस विभक्ति के रूप एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे बनते हैं, किस शब्द के साथ। शब्द एक ही दिया गया है आपको आकारांत स्त्रीलिंग, उस आकारांत स्त्रीलिंग आप कोई सा प्रयोग याद कर लीजिए किसी भी शब्द का से पता चलेगा। ठीक है बच्चों? तो आप